और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है बाइक पर सवार। चार बदमाशों ने फायरिंग की। पुनपुन इलाके में जेडीयू नेता सौरभ की हत्या का यह पूरा मामला है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो पटना से बड़ी खबर है, जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चार की संख्या में बदमाश यहां पर आए, उन्होंने फायरिंग की। पुनपुन इलाके में जेडीयू नेता सौरभ की हत्या का यह पूरा मामला है। फिलहाल अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि इस घटना के पीछे कौन है, वो बदमाश कौन थे, कहां से आए थे और क्यों ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया। इसी बीच तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अस्मित जुड़ गए हैं। अस्मित, क्या कुछ वजह इस घटना के पीछे सामने आ रही है, जेडीयू नेता की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई? देखिए, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और कल रात साढ़े 12 बजे की घटना है जब ये सौरभ कुमार नाम का युवा लीडर है जेडीयू का, कल रिसेप्शन पार्टी में गए बैठे और वहीं से लौट रहे थे। चार अपराधियों ने एक साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें जो है कई गोली इन्हें लगी है। कहा जा रहा है कि इनके सिर में भी गोली लगी है जिसके कारण जब इन्हें अस्पताल में जाया जाने लगा उस समय ही इनकी मौत हो जाती है। इसके साथ इसके एक और साथी पे मुनमुन उनका नाम बताया जा रहा है, पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, उन्हें भी गोली लगी है लेकिन लगातार उनका इलाज जो है वो जारी है। लेकिन सौरभ कुमार जो जेडीयू का युवा नेता था उसे गोली लगी और अस्पताल ले जाने के क्रम में ही मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि देर रात का मामला है इसलिए वहां अस्मित तो पुलिस का फिलहाल कोई स्टेटमेंट अगर सामने आया हो, ये जो बदमाश थे चार की संख्या में आए थे फायरिंग करने के लिए, क्या उनकी पहचान हो पाई है? बिल्कुल, इसकी पहचान हो पाई है और इसलिए ये पता चला है कि ये जेडीयू का नेता है, युवा नेता है उस इलाके का, सौरभ कुमार इसका नाम है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है, इसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है कि आप कुछ दुश्मनी वगैरह थे, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधियों ने आके गोली क्यों मारी है। रात का ये वक्त था 12:30 बजे के लगभग, जब ये वापस घर लौट रहे थे उसी समय चार अपराधियों ने एक साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस कह रही है कि अभी मामले की जांच हो रही है, जैसे ही अनुसंधान पूरा होगा वो इस मामले की जल्द खुलासा कर पाएगी। ठीक है अस्मित, आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे हम आगे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसमें शिवनगर परसा बाजार के सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे, तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान करीब 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी।